ये वाला एक और प्रूफ है, ये अगले जो है बड़ा थ्योरम जो है उसके अंदर यूज़ होगा। यहाँ पे है जे जी और जे प्लस जो है उसका आंसर जो आता है वो एच कट जे प्लस आता है। ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले जो है वो जे प्लस को जो है उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, जे एक्स प्लस आयोटा जे वाई, और फिर जो है जे जी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे पहले जे एक्स से और फिर पॉजिटिव साइन दरम्यान में आयोटा और जे जी को जे वाई से। अब जो है यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, ये याद करने वाली चीज़ है। जे जी एक्स हो जी वाई हो तो कौन सी वैल्यूज आएंगी, आएगा सब में आयोटा एच ही, लेकिन जो है वो सीक्वेंस का ख्याल रखना है। अगर एक्स और वाई हो मतलब जे एक्स और जे वाई हो तो आयोटा एच कट और तीसरा वाला जो कंपोनेंट है जी वो आ जाएगा। इसी तरह अगर वाई और जी हो, जे वाई और जे जी हो तो आ जाएगा आयोटा एच कट और जे एक्स आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव उस सूरत में आएगा जब उल्टे हो रहे हों, जब जी से वाई हो। यहाँ पे जैसे जी पहले, यहाँ जी अगर पहले हो और वाई बाद में हो, यहाँ पे जी एक्स बन रहा है, जी एक्स जो है वो दोबारा लूप बन जाएगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा। इसके अंदर नेगेटिव है, जी जी और जे वाई ये पीछे को जा रहे हैं, इसलिए आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट और जे वाई आ जाएगा तीसरा वाला जो कंपोनेंट है। इनकी वैल्यू पुट कर दी दोनों की, और जो है जे इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लिया, आयोटा के साथ जो है जे वाई कर दिया और एच कट अलग कर दिया। यहाँ पे पहले माइनस जो है वो इसको माइनस करेगा, प्लस माइनस माइनस, और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और दोबारा पॉजिटिव कर देगा, और ये वैसे ही आ गया। अब इनमें से एच कट कॉमन ले लिया, बाकी जो बच गया जे एक्स प्लस आयोटा जे वाई बच गया वो जे प्लस के इक्वल है।